हेलो गाइस वेलकम बैक टू मेक माय एग्जाम दिस इज़ अमित पांडे और आज शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट पार्ट देखिए ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है करते क्या है क्या क्या होता है कैसे क्वेश्चन आए पिछली बार क्या आया था इस बार आने का क्या चांस है सब कुछ करेंगे बाद हम सब लोग बस इतना ध्यान रहे अगर आपने कभी पढ़ी भी ना हो ट्रिग्नोमेट्री तो भी डरने का नहीं है अगर आपने पढ़ी नहीं है तो आपने इतना जानते तो जानते हो ना कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट एंगल ट्रा बस कुछ भी हो यू डोंट नो नथ यू नो नथिंग डोंट परी अबाउट इट यू नो राइट एंगल ट्राइंगल सो ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल से ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म कैसे होती है अब देखिए जो ये साइड है ना अभी मैं नॉर्मली बच्चों से पूछता हूँ इफ आई आस्क यू पीपल विल टेल मी कि सर ये वाला हाइपोटेनस है और हाँ बिल्कुल सही बात कहोगे फिर बोलोगे ये परपेंडिकुलर है और फिर बोलोगे ये बेस है ये हाइपोटेनस है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है जैसे देखोगे बोल दोगे पर ऐसे बोलना नहीं है ये परपेंडिकुलर नहीं है या ये बेस नहीं है अब आप कहोगे ऐसा क्यों है आखिर क्यों नहीं है ये परपेंडिकुलर क्योंकि तो ये तो ऐसे हमें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ऊपर तो परपेंडिकुलर तो लग ही रहा है पर यह परपेंडिकुलर है नहीं तो आप कहोगे क्यों नहीं है परपेंडिकुलर अब परपेंडिकुलर इसलिए नहीं है ये भाई क्योंकि गारंटी नहीं है एंगल पे डिपेंड करता है ठीक है ना हम इसे परपेंडिकुलर नहीं कहेंगे क्योंकि अगर मैं एंगल सी की बात करता हूं If I talk about angle C, तो for angle C, BC क्या है बेस और AB क्या है परपेंडिकुलर C के लिए यानि अभी तक जो हमारे दिमाग में भ्रांतियां थी वो हमें खत्म करनी है अभी ये हो गया ठीक अगर मैं सी की बात करी तो ऐसा हुआ बी सी बेस ए बी परपेंडिकुलर अब मैं बात करता हूं हम कहेंगे बी सी परपेंडिकुलर कहते हैं बी सी है और वो क्या है परपेंडिकुलर वॉट एट तो बी सी क्या है परपेंडिकुलर ए बी क्या है बेस किसके लिए एंगल ए के लिए यानी जो तुम्हारे दिमाग में पहले से था कि जो ऐसे दिखे वो परपेंडिकुलर है तो भूल जाइए क्योंकि ये देखिए ठीक है अगर मैं कहूँ कि ये तो ज़रूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर हो ठीक है ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है लेकिन आदमी कहाँ बैठा हो यहाँ बैठा हो इट तो so, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें तो ट्रिग्नोमेट्री में तीन चीजें होती हैं एक तो हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को एच बोलते हैं बेस को बी और परपेंडिकुलर को पी कुछ लोग हिंदी में हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको कर्ण, लंब आधार लंब मतलब परपेंडिकुलर कर्ण मतलब हाइपोटेनस आधार मतलब बेस ठीक है चलिए अब हम देखते हैं किस पे क्वेश्चन क्या क्या बनता है अब ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है तो थीटा थीटा बड़ा आते हैं भाई कुछ लोग तो इसी में परेशान रहते हैं कि सर थीटा थीटा आता है व्हाट इज़ थीटा अब ये थीटा ना होता तो ज़िंदगी कुछ और होती बट ऐसा कोई टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है भाई आपको फिर से देखिए मैं इसको ए बोलूँगा इसको बी बोलूँगा इसको सी बोलूँगा और इसको 90 डिग्री बोलूंगा अगर मैं बोलूँगा परपेंडिकुलर कौन है तो बोलना मत कुछ भी अब आ जाते इस एंगल पे आ जाते इस एंगल पे इस एंगल का नाम सी है इसको थीटा भी बोलते हैं तो जरूरी नहीं है कि थीटा से घबराना है थीटा ही तो सी है और सी ही तो थीटा है यानी थीटा ही सी है सी है थीटा मतलब थीटा मतलब कुछ नहीं थीटा मतलब कुछ नहीं थीटा मतलब सी तो ठीक है अब थीटा है अब आपने बचपन में पढ़ा होगा तीन चीजें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ठीक है तो हम बात इस पे भी करेंगे तो अगर ये मेरा थीटा है तो ये मेरा ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस अब आ जाते हैं हम लोग इस बात करेंगे फॉरवेडनेस पेंडुलर फर्पिर्ट और बेस पर अब देखिए आपने तीन चीजें पढ़ी हैं बचपन में एक का नाम था साइन थीटा दूसरा कॉस थीटा और तीसरा टेन थीटा ठीक है अब क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे इसका रिश्ता ऐसे बनाना है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस से ये याद रखना बिल्कुल बेसिक बात हो रही है साइन थीटा टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तो हम एक फॉर्मूला बनाते हैं ठीक ठीक साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनिस और टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस बेस अपऑन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी अगर हम इसे याद करेंगे तो इसे बहुत सारे स्टाइल से याद करना हम लोग जानते हैं बचपन में भी हमने पढ़ाई था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो पंडित ठीक है और यहाँ बेस अपन बेस इसको ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं लेकिन हाँ ये बात यहीं तक रहने देना बाहर में जान देना और वो ऐसे होता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा बस नेशनल लेवल पे है ठीक पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा ठीक है यानी इसके कहने का मतलब कि साइन कॉस्ट मेरे को याद हो जाएगा लेकिन याद रहे इन एग्जाम अगर हमसे कोई पूछे कॉस थीटा तो हम ये नहीं करेंगे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा पंडित बदरी बदरी हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि बेस अपॉन टेन थीटा पर पेंडिकुलर अपॉन बेस और साइन थीटा पर पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस अभी साइन कॉस टेन ध्यान रहे साइन कॉस टेन अब साइन का उल्टा साइन का उल्टा कॉसैक् और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट तो उल्टा जो उल्टा होता है ना कॉसिक थीटा अब कॉसिक थीटा का मतलब क्या है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर सेक थीटा का मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस कॉट थीटा का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर यू मस्ट लर्न दीज थिंग्स उसके बाद मजा आ जाएगा लाइफ लाएग में ठीक है ना तो अभी हम ये एकदम रट्टा मारेंगे रट्टा कैसे मारेंगे साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हाइपोटेस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस हाइपोटेस थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ये मुझे याद रहेगा और जब मुझे याद रहेगा तो जो मजा आएगा अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में ठीक चलिए ये था बेसिक अभी कोई पूछे आज के बाद साइन कॉस्टेन से घबराने का नहीं फॉर्मूला बता देने का बेसिक फंडा क्लियर चलिए अब देखते हैं हम कि क्वेश्चन क्या क्या बनता है ऐसा ही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं जो पूछे जा सकते हैं हम उस पर बात करते हैं दिस इज ए बी सी ध्यान रहे भाइयों ए बी सी अगर मैं कहूँ कि ये है पांच ये है तीन तो ये कितना होगा चार आप जानते ही हैं इफ दिस इज फाइव दिस इज फोर दिस इज दिस इज थ्री एंड दिस इज हाउ इज दिस पॉसिबल बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वॉट डायथागोरस से पाथागोरस थ्योरम से इज कि भैया एच स्क्वायर इज गल टू बी स्क्र प्लस पी स्क्र यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एच स्क्वा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्र तो अगर हमें ये दोनों पता है तो ये पता चल जाएगा यानी ये तीन का स्क्वायर और चार का स्क्वायर तीन का होता है नौ चार का होता है सोलह तो एच स्क् टू पच्चीस तो एच एच कुल टू अंडरवुड पच्चीस तो अंडरवुड पच्चीस तो मतलब पांच दिस इज फाइव सो दिस इज थ्री फोर एंड फाइव नाउ एम पुटिंग अ क्वेश्चन एंड यू सॉल्व इट द क्वेश्चन इज साइन सी वॉट इज साइन सी और साइन ए वट इज साइन ए साइन सी क्या होगा साइन ए क्या होगा अभी तुम्हारे दिमाग की दिमाग की बत्ती चल गई कि भैया साइन सी पूछ लिया और साइन ए पूछ लिया इन्होंने अब साइन सी तो पहले पीछे मुड़ो और साइन का फॉर्मूला क्या होता है ये देखे साइन थीटा मतलब ये साइन का मतलब क्या होता है पर पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस अब मैं बात कर रहा हूँ साइन ए की तो साइन ए के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होगा चार क्योंकि ए के लिए ए की बात करेंगे तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर तो सी के लिए ए के लिए क्या है परपेंडिकुलर चार और हाइपोटेनस पांच यानी साइन है कितना फोर अपॉन फाइव अब साइन सी बताइए अब साइन सी जो है कैसे बताएंगे आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो एंगल की बात करते हैं वो एंगल किसके बीच बनता है एंगल बनता है हाइपोटेनस और बेस के बीच में। तो अगर मैं साइन सी बोलता हूं तो साइन सी कितना होगा साइन सी ये पार्ट है तो ये तीन है तो ये पांच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइंस कितना थ्री बाई फाइव अब आप देखिए कि सी भी निकल गया ए भी निकल गया है दोनों साइन है यही ही ट्राइंगल तो भैया साइन बी भी, भी तो पूछा जा सकता है ना अब दिमाग में तुम्हारे ख्याल आया होगा कि साइन बी भी, भी तो पूछा जाएगा हाँ तो पूछा जाएगा कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें पर बताएंगे हम लोग लेकिन थोड़ी देर बाद बताएंगे साइन बी भी, भी बताएंगे थोड़ी देर बाद ठीक चले अच्छा एक क्वेश्चन मैं देता हूँ एंड आई वॉन्ट इट टू बी सॉल्व बाई यू ऑल्सो वाइल्ड वॉचिंग द वीडियो टेल मी व्हाट इजन ए माइनस टेन सी वॉट इज टेन ए माइनस टेन सी अब आप देखिए मतलब तो मतलब दिमाग में सेट मेरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब चार बटे तीन और टेन सी मतलब तीन बटे चार तो घटाएंगे कितना होगा सोलह माइनस नौ बटे बारहटीन माइनस नाइन अपॉन ट

अभी क्या है ना कि ये एक फॉर्मूला भी है ठीक है ना और ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको रिमेंबर भी करना है साइन ए प्लस बी का ठीक है ये फॉर्मूला होता है। बट इफ इफ आई एम सपोज टू डू दिस क्वेश्चन एंड आई डोंट नो द फॉर्मूला देन हाउ विल आई डू इट तो मैं क्या करूंगा मैं साइन ए का मतलब आपको पता ही है कि साइन ए कितना होगा फोर बाई फाइव कॉस सी कितना होगा कॉस सी टेल कॉस सी फोर बाई फाइव look here कॉस ए कितना होगा कॉस ए थ्री बाई फाइव और साइन साइंस दिस शुड बी साइंस सी क्या होगा साइंस थ्री बाई फाइव तो दिस इज व्हाट सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव दिस इज व्हाट नाइन बाई ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी फाइव तो क्या हो गया वन बट अगर हम ये फॉर्मूला याद कर लें इफ आई रिमेंबर दिस फॉर्मूला तो मेरे लिए काम चुटकियों का हो जाएगा और मैं इसे क्या कर दूंगा क्योंकि तो मैं जानता हूं कि ये साइन ए प्लस सी होता है साइन ए प्लस सी होता है साइन ए प्लस सी अच्छा बी कितना है 90 लेट्स टॉक ट्राइंगल ए बी सी यू नो फ्रॉम योर चाइल्ड हुड ए प्लस बी प्लस सी इज टू वन एटी डिग्री एंड बी इज इक्वल टू नाइनटी सो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी की वैल्यू नाइनटी डिग्री है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा नाइनटी डिग्री यानी ए प्लस सी नाइन्टी यानी ए प्लस सी नाइन्टी तो ये 90 और ये साइन 90 और साइन 90 वन होता है अभी हम पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे हम लोग बट इतना याद रहे कि इसका फॉर्मूला भी होता है तो हम डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं ये फॉर्मूले हम आगे भी डिस्कस करेंगे तो हमें इतना पता चला आज इस क्लास में अभी तक कि मैं हमें अगर वैल्यूज पता है तो साइन कॉस टेन निकाल सकता हूं मैं साइन कॉस टेन निकाल सकता हूं मैं अब देखिए द बिगेस्ट थिंग ट्रिगनोमेट्री में भाई साहब तीन चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपना नाम भूल जाना बट वो मत भूलना क्योंकि अगर वो भूल गए ना तो काम खराब हो जाएगा यू डोंट फॉरगेट दो थ्री थिंग्स दो बाप हैं इस ट्रिग्नोमेट्री के ठीक है तो हम लोग सीखेंगे और वो चीज़ें ऐसी होती हैं सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी दैट इज राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वेर थीटा इजक्ल टू वन दूसरी सेक स्क्वायेर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा इजक्वल टू वन एंड द थर्ड वन कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस

और करो निकालो सारी वैल्यू रखो यहाँ इक्वेशन में एंड व्हाट विल यू से कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऐसा होगा कि एल एच एस और आर एच एस आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे ठीक है तो एल एच एस और आर एच एस आपस में बराबर हो जाएंगे तो मेरा तीन फॉर्मूला बन जाएगा अब मुझे देखना है अब आता है सबसे पहला क्वेश्चन जो एस एस सी सीजीएल में हद कर दिया जिसने आता ही है हर एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आया हुआ है ठीक है तो हम ये तीनों रखेंगे याद बोलना नहीं है हमें किसी भी हालत पे तो चलिए शुरू करते हैं वो क्वेश्चन जिसका हमें था इंतजार और वो ये है ऐसे दिया होगा भाई साहब आप अभी ना प्रीवियस ईयर उठा के देखो मिलेगा किसी ना किसी में इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन तो फाइंड करें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा देखें देख रहे हैं आप ये दिया हुआ ये निकालना है ऐसे करोगे आखिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा कि साइन टू वन कॉस फोर थीटा क्या होगा अब देखिए सर, अभी कुछ नहीं करना आपने आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर दो तो साइन थीटा मैं इस स्टेप को फिर से सॉल्व करता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन थीटा ठीक है तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अब साइन थीटा का मतलब कॉस थीटा तो इसी को थोड़ा सा स्क्वायर ना कर दूं दोनों साइड का स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इजल टू कॉस की पावर फोर थीटा मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ही है कि नहीं है कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस पावर फोर थीटा की जगह पे मानते हो या नहीं यानी चीज सेम है यानी इसका आंसर क्या है मेरे भाई इसका भी बात यही है यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और ये ऊपर वन था यानी ये सब क्या है वन है ठीक अब एक काम देता हूँ आपको आई एम गिविंग अ वर्क टू यू गाइज कि भाई अगर मैं यही क्वेश्चन दे दू और मैं पूछूं आपसे आप मुझे एक्सप्लेन करके दिखाएंगे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे कैसे करा है क्या अप्लाई किया है इफ दिस इज गिवेन देन वॉट इज दिस सॉल्व करें कमेंट बॉक्स पे लिखें कि आपने इसको अटेम्प्ट कैसे किया है ठीक है क्योंकि मैं आइडेंटिटी पे क्वेश्चन कराऊंगा फिर मैं वैल्यूज याद करवाऊंगा आज आपको तो टेन थीटा प्लस टेन फोर थीटा गिव मी द आंसर ठीक है अब आ जाइए सेकेंड आइडेंटिटी पे आइडेंटिटी बड़ी प्यारी है सेकेंड वाली और वो है क्या सिक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन अब इस पर क्वेश्चन क्या बनता है कभी कभी एक क्वेश्चन बड़ा हिट है आप देखिए आपको भी मिलेगा ऐसा लिखा होता है इफ सेटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू फोर देन फाइंड फाइंड सेक थीटा ठीक है ऐसा लिखा होता है कि सेक्ट थीटा निकालो अभी ये दे रखा है फोर और बोलते हैं निकालो सेक थीटा और ये दे रखा है फोर ट्वेल्थ निकालते थीटा अब आदमी का दिमाग करते हैं कि भैया इसको बचपन में हमें क्या सिखाया गया अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ना तो हमें सिखाया गया कि साइन कॉस में तोड़ लो अब इसको साइन में तोड़ेंगे कॉस में तोड़ेंगे तो टाइम लगेगा और गलत भी होगा बहुत टाइम लग जाएगा तो हम थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं देखिए ध्यान सेक स्क्वेर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन ये जानते हैं हम अभी सीखा है हमने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी और यहां आएगा ए प्लस बी और ये कितना हो गया वन अभी कर सकते हैं ना हम जानते हैं कि तुम जानते कि A B A B A B हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ये सबको पता है बिलीव नहीं एवरीबडी नोज देट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज टू ए माइनस बी और ए प्लस बी तो ए प्लस बी कितना है फोर तो हम क्या करते हैं कि हम इसको फोर को ये वाला फोर चूंकि वैल्यू फोर है उसे ट्रांसफर कर देते हैं तो ये कितना हो गया वन अपॉन फोर और ये कितना फोर ये कितना वन अपॉन फोर जोड़ दो ये कट गया तो टू सेक थीटा ज इक्वल टू फोर प्लस वन अपॉन फोर यानी सेक्स थीटा इज इक्वल टू फोर फोर सेवनटीन सेवनटीन अपॉन एट दिस इज योर आंसर राइट तो अभी जब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम वॉट विल आई डू आई विल

और मैं यहां लिखता हूं कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू वन बाय फाइव देन फाइंड करना है कॉसिक थीटा ठीक है तो क्या था इसमें क्या क्वेश्चन है ये माइनस वन बाई फाइव प्लस फाइव हो जाएगा जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा सेम तरीके का क्वेश्चन है सेम तरीके का आंसर है क्योंकि इसमें कौन सी आइडेंटिटी काम करने वाली है कॉसिक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज वन तो आइडेंटिटी करेगी काम तो हमें समझ आएगा कि करना है क्या क्या काम तो कौसिक स्क्वायर थीटा ये माइनस वाला प्लस वाला रखा निकाला काम खत्म फिनिश राइट So, इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा ठीक इसी में एक पार्ट और करता हूं तैयार हो जाइए आप लोग करने के लिए और बताने के लिए और दूसरा पार्ट है।, है तो मैं इसको बोल देता हूं सेक थीटा आप ये सेक थीटा बताइए मुझे क्या होता है ठीक है सेक थीटा के लिए कॉस थीटा निकालना जरूरी पड़ होगा क्योंकि हम जानते कि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक ठीक चले अब देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है सेक साइन का उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक टेन का उल्टा कॉट रेसिप्रोकल कॉट तो एक चीज हम और सीखेंगे जो कि और भी बहुत जरूरी है हमारे लिए वो ये ध्यान देंगे हम लोग कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन का फॉर्मूला टेन थीटा इज गल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसी को हम लोग अगर लिखे तो जाहिर जानते हैं कि टेन का उल्टा तो ये उसका उल्टा हो जाएगा ये सब जब हमें एक बार याद हो जाएगा ना तो इसका जो मजा आने वाला है ना ट्रिनामेट्री हो जानी है बट यू हैव टू रिमेंबर इट समाव ठीक अगर मैं हम आइडेंटिटीज का यूज भी करेंगे हम लोग आप इतना ध्यान देंगे कि हम आइडेंटिटीज का यूज भी करेंगे तगड़े तरीके से अब हम उसी पे क्वेश्चन करेंगे तो उसी पार्ट पे हम लोग जो हमारा पार्ट था हमने जो साइन एक्स प्लस कॉसिसक्वल टू वन पढ़ा था तो क्वेश्चन हमारे सामने है बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर साइन एक्स प्लस टू ए बी कॉस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप बताइए कि टेन एक्स की वैल्यू क्या होगी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन एक्स दिस इज वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन वर्ल्ड फेमस नहीं पर फेमस तो है ही अब देखें आप करेंगे क्या <coughs> अगर आप नॉर्मल दिमाग लगाएंगे तो कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे यहाँ टेन एक्स हो जाएगा अच्छा है अच्छा ये tan x ना हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ये चाहता है कि हमारा दिमाग काम करे उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में दिमाग काम करवाना नहीं चाहता है तो हम क्या करेंगे ये 10x, हमने क्या कर दिया से किया तो गलत हो जाने है हमारा तो हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को नीचे ले आइए और अभी देखिए चमत्कार साइन एक्स प्लस टू ए बी अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र कॉस एक्स इज इक्वल टू वन लक हेयर कैसा लग रहा है ये कि ये ऐसा ऐसा इसको देख के क्या कुछ कुछ होता नहीं है क्या इफ यू लुक एट इट लुक एट इट तो कुछ फील नहीं होता है थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो फील होगा और फील पता क्या होगा कि दिस इज साइन एक्स दिस मस्ट बी साइन एक्स बिकॉज वी नो इट दट साइन स्क्वेर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज टू वन यानी मेरा साइन एक्स इसके बराबर हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स हो जाएगा तो टेन एक्स हो जाएगा टेन एक्स साइन बटे कॉस अभी हमने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी तो गाइज हमने आज की वीडियो में क्वेश्चन करें आप इन पे जो क्वेश्चन हैं आपके पास जो क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए कोई डाउट्स होता है कोई प्रॉब्लम होता है हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए हमें बताइए हम उसका जल्द से जल्द से सॉल्व करेंगे तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड थैंक यू थैंक यू वेरी मच